हेलो एवरीवन, ओपलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है? टाइम एंड वर्क, यानी टाइप कौन सा है? बिफोर एंड एंड लेफ्ट। देखो भाई, बिफोर एंड लेफ्ट ना, इस ये कौन सा सीरीज है हमारे पास? कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं, उनको ध्यान से देखो और समझो। लेफ्ट एंड बिफोर का तीसरा टॉपिक है, यानी तीसरा लेक्चर है, तभी 100% एक्यूरेसी आएगी जब आप पिछले लेक्चर को जाके ध्यान से देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इससे पहले मैंने जो लेफ्ट एंड वर्क का कॉन्सेप्ट का रखा ना, ध्यान से देखना। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये सीधा ये क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा, सीधा मैं इजी तरीके से कराऊंगा। जैसे क्या हमारे पास? एक एंड टू क्या हमारे पास? ए का वर्क कितना हमारे पास भाई? 16 दिन। बी का क्या है भाई? 32, मतलब 32 दिन भाई। और सी का क्या है भाई? 48 डे। अब इन कैल्शियम कितना है हमारे पास? इन कैल्शियम माने तो टोटल वर्क डन, हम क्या लेते हैं भाई? टोटल वर्क डन कितना आता है हमारे पास? 96, मतलब 96। ठीक है भाई, मैं अभी कह रहा हूँ 20-25 लग तो टेबल हमारे कन्फर्म याद होनी चाहिए भाई। कति कन्फर्म 15 हमारे पास क्यूब और 30 हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर, कंप्लीट याद होनी चाहिए भाई। इससे हमारी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, जब एडवांस मैथ कराऊंगा ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वन डे वर्क देखो भाई, ये एक दिन का वर्क निकाल रहे हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे हम। 16 16 चौके 96 16 चौके 96 जी 80 16 छके 96 16 छके 96 भाई, 16 चौके 68, 32 32 चौके 4 दूनी 8 4 3 12 112 हो जाएगा ना भाई, ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 बजा होगा, 32 3 96, 48 2 कितना होगा भाई? 96 होगा। ठीक है भाई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? 16 छके 96 होगा हमारे पास। अब इस ध्यान से रकम पढ़ो, दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे वर्क स्टार्ट करते हैं। ए बी लेफ्ट द लेफ्ट 2 डे वर्क बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। देखो भाई, कंप्लीट होने तक पहली ना, वर्क के कंप्लीट होने तक पहली, यानी बी कंप्लीट होने तक पहले कितने दिन पहले? 2 दिन पहले ए और बी काम छोड़ दे हैं, तो मतलब बिफोर है क्या? देखो भाई, लास्ट से अगर बिफोर हो, लास्ट से हो तो हमारे पास क्या होगा? प्लस होगा। और स्टार्टिंग से लेफ्ट हो तो हमारे पास क्या होगा? माइनस वगैरह। तो क्या है? ए बी लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीट, कंप्लीट होने तक पहली 2 दिन पहले हमने क्या है? ए बी काम छोड़ देते हैं। तो सिंपल है भाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, इसका क्या? किसका बिफोर है तो प्लस में, 3 दूनी 6 है बिफोर है, तो देखो बिफोर में हमेशा क्या होगा? प्लस। टोटल वर्क डन में आ जाओ, अब 6 और 12 और 6 कितने हो गए भाई? 18 जोड़ दो, इसने 8 और 6 भाई 14 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया? 11, यानी 114 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 114 है हमारे पास, तो इसमें क्या हमारे पास है? बिफोर में मैंने कहा था लेफ्ट में, ओनली लेफ्ट में कटा कर सारे, लेकिन बिफोर में हमारे पास सारे की चीज होंगी, ये काउंट होंगे। एक दिन का वर्क डन, एक दिन का वर्क डन क्या हमारे पास? एक दिन का टोटल वर्क डन कितना हमारा? ए बी का कितने यूनिट काम कर रहा है? ए बी कर रहा है हमारे पास भाई 6 और 2 8 और 3 11 दिन 11, ये टोटल यूनिट कितने हैं भाई? 11। और हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है भाई? यू एक दिन का है, यू टोटल 114 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना काम आओगा भाई? तो क्या रखा हमने? देन द होल वर्क कंप्लीट अपॉन में इसने 11 11 से डिवाइड कर दो मेरे भाई। अब 11 से डिवाइड करने बाद क्या आंसर आओगे हमारे पास? इसका कितना होगा भाई? 10 से ही 4/11 आंसर आएगा भाई। इतने दिन हमारे पास यू काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो भाई, कैसे में नहीं आया? क्लियर बात? अब दोबारा फिर समझो कि लेफ्ट और बिफोर का मतलब क्या है। देखो भाई, लेफ्ट का मतलब है कंप्लीटली छोड़ देना, मतलब क्या है कि भाई किसी काम कर रहा है 2 दिन के बाद भाई लेफ्ट हो गया, मतलब उन्होंने काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद जब काम स्टार्ट हुआ है, और जब काम खत्म होने वाला हुआ ना, खत्म होने वाला हुआ, जब एंड होने वाला, उससे पहले काम छोड़ना, वो बिफोर में आता है भाई। इसमें तो हमारे पास क्या होगी? प्लस होगी, और इसमें क्या होगा? माइनस होगा। ध्यान से देखो भाई, ठीक है भाई, बस कि भाई क्या है? ए कैन डू ए 10 दिन, बी कैन डू ए 12 दिन, सी कैन डू ए 15 दिन, 15 दिन, तो दे वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क। देखो भाई, इसमें क्लियरिटी सारी दूर हो जाएगी कि जिनसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम लगी होगी ना, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले जो नेक्स्ट 2 वीडियो आएगी ना, उनको ध्यान से देखो भाई, सब कुछ एक सीरीज में चल रहा है ये। जब तक आप वो सीरीज में करेक्ट नहीं करोगे ना, सवाल इजी समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएंगे लेकिन इजी समझ में नहीं आएंगे ना, दिमाग लाना पड़ेगा। और कनेक्शन में करोगे ना तो समझ में जल्दी आ जाएंगे। अब देखो भाई, इसमें क्या है? इसमें ये चीज़ है मेरे प्यारे भाइयों कि ए कैन डू ए 10 दिन भाई, कितने दिन हम कर रहा है? 10 दिन हमें। बी कैन डू बाई 12, मतलब 12 दिन हम कर रहा है, और सी कैन डू बाई 15, मतलब 15 दिन हम कर रहा है। ठीक है, क्लियर बात? ये बात। अब सेम टू सेम सबसे पहले क्या करते हैं हम? एलसीएम काटते हैं इनका। एलसीएम माने तो टोटल वर्क डन, कितना मेरे प्यारे भाइयों? टोटल वर्क डन कितना हमारे पास? टोटल वर्क डन इसका 60 आ जाएगा, क्योंकि किसके पटे माओ में? सारे 60 के पटे माओ। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक दिन का वर्क डन निकाल लो। एक दिन का वर्क डन निकालेंगे भाई हम। एक दिन का वर्क डन क्या है हमारे पास?
टोटल बर्डन कितना 60, 10 को 60 से डिवाइड करेंगे यानी 10 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 12 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 12 पंजे 60 आ जाएगा। फिर इसको 60 डिवाइड करेंगे 15 चौके 60 आ जाएगा। ये क्या है, ये एक दिन का बर्डन है भाई, कितने दिन का, एक दिन का बर्डन। अब ध्यान से देखो, दे वर्क टुगेदर, इन सभी ने काम स्टार्ट इकट्ठे किया, बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर टू डे। देखो अब लेफ्ट क्या हुआ, स्टार्टिंग से है ए कि भाई जब काम चालू हो ना, ए ने काम छोड़ दिया टोटली, कि छोड़ दिया भाई, ए ने काम छोड़ दिया, तो ए गुणा में 2 6 दूनी 12, ये किसमें होगा माइनस में आओगा, किसमें होगा माइनस में आओ, क्योंकि इसका काम टोटली टर्मिनेट हो गया। अब दूसरे देखो, बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क ऑन वन डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, मतलब जब काम खत्म होने वाला था ना उससे एक दिन पहले। अब देखो लेफ्ट में क्या हो, स्टार्टिंग में था, उससे पहले किसी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, बी ने गुणा में 1। अब ये किस चीज में आओगा, प्लस 5, ये किस में आओगा, प्लस में आओगा, लेफ्ट वाला माइनस में। बस इसी में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आती है भाई, इसमें आओगी अगर इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। देखो मेमोरी तो था नया थर्ड नंबर कति कंफर्म फुल नंबर आओगे भाई, कैसे ध्यान से समझ लो एक बार। ए लेफ्ट द वर्क, ए ने क्या है लेफ्ट, जब काम चालू होया वो स्टार्टिंग में है, यू लास्ट है, देख स्टार्टिंग वाला तो लेफ्ट में, स्टार्टिंग वाले में क्या होगा माइनस होगा, और लास्ट वाले में क्या होगा प्लस होगा। जैसे द वर्क वन डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, मतलब जब काम खत्म होने वाला था ना उससे एक दिन पहले किसने छोड़ दिया काम, बी ने काम छोड़ दिया भाई, ठीक है, उसमें क्या होगा प्लस होगा, स्टार्टिंग वाले में माइनस होगा। अब देख लो कितना बचा हमारे पास, 12 में तो 5 गए, 12 में तो 5 गए, माइनस है कितना बच गया भाई, यहाँ पर बच गया माइनस का 7, ठीक है। अब 7 में तो 60 गए, कितना बच गया भाई, ग्यारह बच गया भाई, 53, कितना बच गया 53 बच गया, क्लियर बात भाई। अब ए लेफ्ट है, क्या कर रखा है ए लेफ्ट, यू मतलब जब लेफ्ट हो ना स्टार्टिंग से, यू टर्मिनेट कर दिया हम टोटली, क्या करता कर रहा है टर्मिनेट कर दिया कर रहा है, इसने आप काउंट ही नहीं करा करते, तो कितना बचा 5 और 9 इसको इसके साथ क्या डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, 9 5 45 है, और भाई 9 5 45 और भाई 9 6 9 5 45 5 और 3 8, 5 से ही 8/9 दिन में सारा काम खत्म कर देगा भाई। कैसे समझ में आई बताओ भाई, जलास ए कैन डू ए 10 डे, बी कैन डू ए 12 डे, सी कैन डू ए 15 डे, सेम है भाई, दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट द वर्क, सी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, मतलब भाई देखो भाई सेम टू सेम है भाई, वो प्रोसीजर है, तो देन द वॉल वर्क आर कंप्लीट, तो सारा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, सेम टू सेम वो प्रोसीजर करेंगे भाई हम। ए क्या कर रहे हैं हमारे पास 10 दिनों में, बी क्या कर रहे हैं हमारे पास भाई 12 दिनों में, सी क्या कर रहे हैं हमारे पास भाई 15 दिनों में। LCM मतलब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन LCM इज इक्वल कितना है हमारे पास 60 है, इसका कितना होगा भाई 10, 10 में 6 तो 6 होगा भाई, 12 5 60 हो गया, 15 6 60 हो गया, यानी वन डे वर्क में इतना यूनिट काम करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, डे वर्क टुगेदर इकट्ठा काम चालू करा, बट आफ्टर 3 डे द स्टार्टिंग से 3 डे ए लेफ्ट द वर्क, ए ना काम छोड़ दिया भाई, ये ना काम स्टार्टिंग छोड़ दे 6 3 18, तो ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। जब काम खत्म, सी लेफ्ट कब, सी काम कब छोड़ा है, जब 4 डे बिफोर द कंप्लीट, देख बिफोर आ गया यहाँ पर, कि जब काम खत्म होने वाला था ना उस तब पहले 4 दिन छोड़ दिया, काम खत्म होने तब पहले, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, क्यों किसने है भाई सी ने, गुणा में क्या है हमारे पास 4 4 चौके 16, इसमें क्या होगा हमारे पास प्लस आओगा, ठीक है भाई। अभी नहीं कैलकुलेट करो कितना बच गया हमारे पास, माइनस का दो इसमें घटाकर टोटल वर्क में कितना आ गया भाई 58 आ गया, क्योंकि टोटल वर्डन तो यह था ना हमारे। अब देखो जो चीज लेफ्ट हो तो वह टोटली टर्मिनेट, बचा क्या बी ए सी, 5 4 कितना हो गया हमारे पास 9 होगा, इस 9 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 9 6 54, बोलो भाई क्या चीज में नहीं आई जल्दी बताओ भाई, रे क्या है हमारे पास इसमें क्या है, जब देखो भाई हमारे पास ए बी कैन डू ए 30 दिन, मतलब ए बी मिलके क्या है 30 दिन काम कर रहे हैं, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, इन्होंने क्या है काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर 23 मतलब 23 दिन के बाद बी लेफ्ट द वर्क, मतलब क्या है भाई बी काम छोड़ देता है, और सारा काम कितने दिन खत्म होता है उसके बाद 33 दिन सारा काम खत्म हो जाए, द होल वर्क कंप्लीट 33 डे, तो फाइंड हमने क्या है भाई ए अकेला इस काम को कितने दिन करेगा, यह चीज याद करनी है। अब यहाँ लिख लो भाई क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस में बी कंप्लीट भाई कितने दिन भाई 30 दिन हम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं टोटल 30 दिन हम कर रहे हैं, दे वर्क काम स्टार्ट करा, बट आफ्टर 23 डे बी लेफ्ट द वर्क, यानी बी ने कितने दिन काम करे यहाँ पर, बी ने कितने दिन काम करा ओनली 23 डे, मतलब 23 दिन काम करा, उसके बाद क्या है यू काम छोड़े चलेगा अभी भाई, ठीक है बी लेफ्ट द वर्क।
तो उसके बाद सारा काम कितने दिनों में खत्म होया? 33 दिनों में काम खत्म होया। कितने दिनों में काम खत्म होया भाई? 33 दिनों में काम खत्म हुआ सारा। कितने दिनों में काम हुआ खत्म? 33 दिनों में। उसके बाद देखो टोटल काम तो कितना था हमारे पास, दोनों इकट्ठा काम कितने दिन कराया भाई? 30 दिन कराया। अब इसकी इफिशियंसी कितनी आई है? अब देखो टोटल काम कितना 30 है, यहाँ पर क्या है 33 है, कितना ज़्यादा है 30 से? 3 ज़्यादा है, तो एक गुणा कितना हो जाएगा 3, यानी कितनी है भाई एक इफिशियंसी 3 ज़्यादा है बी गुणा में। अब देखो बी ने कितने दिन काम कम काम कराया भाई 7, तो बी की इफिशियंसी कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये इसके अपॉन चल जाओगा ए के अपॉन में, और ये 3 7 के अपॉन में आ जाएगा, तो इससे क्या निकल जाएगी ए अपॉन में बी इज इक्वल 7 अपॉन में 3। ये किसकी इफिशियंसी लिखट गई? ए और बी की इफिशियंसी लिखट गई। ठीक है भाई, किसके लिए इफिशियंसी लिखट गई? ए और बी की। अब देखो टोटल कट्ठे मिले कितने दिन काम करे इन्होंने, इन्होंने कट्ठे मिले कितने दिन काम करे भाई 30 दिन में। देखो हमारे को कोई टोटल वर्क निकालना पड़ेगा इसमें। अब टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा? टोटल वर्क डन, इकट्ठे मिले कितने दिन काम करे भाई 30 दिन, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 7 है, बी की कितनी है 3। एग्जैक्ट वर्क नहीं है भाई, ये एफिशिएंसी है इसकी 7 प्लस में 3 गुणा में 7 और 3 10, तो 300 यूनिट आया हमारे पास टोटल वर्क डन। कितना आ गया भाई 300 यूनिट आ गया हमारे पास टोटल वर्क डन। कितना यूनिट आया? 300 यूनिट वर्क डन आया। तो ए अलोन मतलब ए अलोन क्या करना है, तो ए अकेला कितने दिन काम करेगा? टोटल वर्क डन कितना भाई 300, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 7, तो 7 ने 300 से डिवाइड कर दो कितना आएगा भाई 300 ने 7 से डिवाइड कर दो, 7 + 7 = 7 चौके 28 आ गया, 2 7 दूनी कितना हो गया भाई 14 हो गया 6, तो 42 6/7 दिनों में ए अकेला इस काम खत्म कर दिया। बी अगर बी पूछ रहे तो बी कितना करोगे 300 अपॉन में 3, यानी 100 दिनों में क्या करेगा हमारे पास बी इस काम को खत्म करेगा। ठीक है भाई, क्या समझ में आया? अब क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी कैन डू 18 दिनों में, इन हाउ मैनी डे ए अलोन डज द 1/3 ऑफ द टोटल वर्क इफ दे वर्क स्टार्ट टुगेदर आफ्टर 15 डे ए लेफ्ट द वर्क एंड वर्क कंप्लीट कितने भाई 24 डे में। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो भाई ए बी है ए प्लस बी, अब ए बी टुगेदर कितने कितने दिन हम कर रहे हैं भाई दोनों मिलके, कितने दिन हम कर रहे हैं हमारे पास 18 दिन हम कर रहे हैं, कितने दिन हम कर रहे हैं 18 दिन हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये क्या याद करना है कि अकेला ए 1/3 वर्क कितने दिन हम खत्म करेगा, जब मैं वर्क स्टार्ट कराया उन्होंने तो आफ्टर 15 दिन में ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 15 दिन में ए लेफ्ट द वर्क, और सारा काम किस में खत्म हुआ भाई 24 दिन में, तो बी ने कितने दिन काम कराया भाई 24 दिन काम कराया, कितने दिन काम कराया भाई 24 दिन काम कराया है। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या है ए, ए की एफिशिएंसी कितनी आओगी यहाँ से 3 दिन आएगी, ठीक है ये 15 दिन कर रहा, और बी की कितनी आओगी यहाँ से भाई 6, कितनी आएगी भाई 6 24 18, तो इसके अपॉन में जाओगे ये, तो ए के यहाँ इसका ये यहाँ आ जाएगा बी का यहाँ चल जाओगा, एक टेबल पावर है 3 × 3 = 3 × 6, तो ए बी कितना आएगा भाई ए की कितनी आएगी 2 और बी की कितनी आएगी 1। अब टोटल वर्क डन कैसे निकाल लोगे, टोटल वर्क डन दोनों ने इकट्ठे मिले कितना दिन करा भाई 18 गुणा में 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3, 18 × 36 और 18 × 3 = 54 यानी 54 आ गया टोटल वर्क डन। अब क्या कह रखा है, पूछ रखे उन्होंने कि उन्होंने लुका रखा है कि टोटल वर्क डन का टोटल वर्क डन ये आ गया, अब टोटल वर्क डन का 1.3 अकेला, अब टोटल वर्क डन ये है, अब टोटल वर्क डन का 1.3 कितना होगा, टोटल वर्क डन का 1.3 कितना होगा 54 से ही गुणा में 1/3 3 × 3 = 3 दो बच गया 3 से 21 3 8 24 मतलब 18 यूनिट, कितना भाई 18 यूनिट। ए अकेले अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए अलोन कितना भाई 2, 9 दिन में खत्म कर देगा मेरे भाई जी, कितने दिन में खत्म कर देगा 9 दिन में। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, जल्दी बताओ। अब इसको भाई दोबारा समझ लो कि एक कितने दिन 15 दिन के बाद काम छोड़ता है, तो सारा काम किस में निपटा है भाई 24 दिन में 24 दिन में, तो ये एफिशिएंसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है भाई देखो भाई टोटल दोनों ने मिलकर कितने दिन भाई 18 दिन काम कर रखे हैं, जब 18 में से 15 जाओगे तो कितना बचेगा 3, यानी घटा करेंगे तो ये आ गया। अब सेम टू सेम जो बी 24 है ना 24 को भी हमने 18 से घटा करना है, क्योंकि इकट्ठे मिले काम कर रहे हैं तो कितनी आओगी 6 आओगी, तो इसके एक अपॉन में ये चल जाऊंगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, काट दें तो एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 3।
अब टोटल बर्डन कैसे निकाल लेंगे, 18 मिलकर काम कर रखा है, 2 और 1 3 गुणा में 3 54। अब एक ही जिसकी निकालनी है वो ऑप्शन से नीचे लिख देंगे और सवाल को हम कैलकुलेट कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसएससी सीजीएल सीपीओ फॉर सेकंड ईयर। ठीक है भाई, अब देखो ए बी और बी सी कैन डू ए वर्क 12 और 16 डे, मतलब 12 और 16 दिन हम कर रहे हैं। यदि इफ ए वर्क 4 5 डे कि ए कितने दिन में 5 दिन हम कर रहे हैं, बी कर रहा है भाई 7 दिन में, और सी वर्क कंप्लीट द रिमाइनिंग वर्क इन 13 डे, तो बचा और काम किसके काम किसके किसके उसमें आया भाई, खाते में आया सी के खाते में आया जो 13 दिन हम करता है। देन सी कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डे, तो भाई सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास क्या है, ए बी, ए बी, ए बी कितने दिन हम कर रहे हैं भाई, 12 दिन हम कर रहे हैं। बी सी, बी सी कितने दिन हम कर रहे हैं भाई हमारे पास, बी सी कर रहे हैं हमारे पास भाई 16 दिन हम कर रहे हैं, कितने दिन हम कर रहे हैं भाई 16 दिन हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमारे पास, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम माने तो टोटल वर्क डन, क्या है भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा भाई 48, दोनों टेबल में हुआ है। ठीक है भाई, अब 12 में से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 12 चौके 48, 48 यानी कि आ गया ए बी और उसका वन डे वर्क आ गया, कितना आ गया वन डे वर्क, किसका भाई ए बी का 4 दिन आ गया और बी सी का कितने दिन आया भाई 3 दिन आया है। अब क्वेश्चन क्या रखा है कि मुश्किल क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ, ये यदि इफ ए वर्क फॉर 5 डे, कितने दिन का रखा भाई, ए ने कितने दिन का रखा 5 दिन में, यानी ए ने कितने दिन का रखा, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, थोड़ी नीचे लिख लो, ए ने कितने दिन का रखा भाई 5 दिन का रखा, बी ने कितने दिन का रखा भाई 7 दिन का रखा। ठीक है, अब ए ने 5 दिन किसके साथ कर रखा, ए बी ने कट्ठे मिलकर रखा है। कहने की बात क्या है कि मान लो ए बी लिख दो भाई, ए बी यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस में बी ने कितने दिन काम करा भाई 5 दिन काम करा, यानी ए के साथ बी ने मिलकर कितने दिन काम करा भाई 5 दिन काम करा है। ठीक है, और ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो गुणा में कितना आ गया भाई 5, यानी कितने हो गए 5 चौके 20, यानी क्या हमारे पास ए और बी मतलब टुगेदर इकट्ठे मिले कितने काम करे, तो ना 5। अब बी ने ना ए के साथ कितने दिन काम करा है, 5 दिन काम करा है, कितने दिन काम करा है 5 दिन, तो बी के कितने दौर बच गए, बी के दौर ओनली 2 दिन बचे हैं अकेले के। अब ए छोड़ चला गया ना बेचारा, ए कितने दिन काम, ए प्लस बी मतलब क्या है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा। अब फिर उसके बाद क्या है, बी अकेला बच गया, बी के साथ करेगा सी के साथ, सी के साथ कितने दिन काम करे बी ने, 2 दिन काम करा भाई, कितने दिन काम करा 2 दिन, क्योंकि यहां से कितना बच गया भाई, बी कितने दिन करा था 7 दिन करा था, ए के साथ कितने दिन काम करे ना 5 दिन काम करा, तो बी के कितने बच गए 2 तो बचे, कितने बचे 2, और 2 दिन के साथ मिलकर काम करेगा वो सी का, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया, तो अब बी सी कितना हमारे पास 3 दिन 1 दिन का काम, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 दिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 दिन। अब सी बेचारा अकेला बच गया, अब सी क्या रखा है हमारे को, क्या रखा है, सी कंप्लीट द रिमाइनिंग वर्क इन 30 डे, तो सी का कितना है हमारे पास भाई 13 है। अब बी ने सी के साथ कितने दिन काम करा भाई 2 दिन काम करा, तो बेचारे दौरे सी दौरे कितने दिन बच गए, ओनली कितने बचे भाई 11 दिन बच गए, कि सी अकेले कितने दिन करेगा भाई 11 दिन हम करेगा। अब देखो टोटल कितना होगा, अब ये टोटल कितना होगा ए और बी का मिलाकर, एक और मिलाकर कितना होगा 26 हो गया, इनके प्लस करते थे ना हम 26, अब 26 में इसमें घटा कर दो टोटल वर्कडन बताए कितना बच गया 2 2, तो रिमाइनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास 22 बच गया, और सी का रिमाइनिंग कितना रहा 11 बच गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ गई भाई, किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन करेगा, सी अलोन 48 डे अपॉन 2 24 दिन में काम खत्म करेगा भाई अकेला, कितने दिन काम करेगा 24 दिन में। गणा बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वेटेज वाला क्वेश्चन है ये, क्लियर बात। अब ऐसे ही अगर हम ए का पूछ लें, तो इसी क्वेश्चन में ए का पूछ लिया भाई, ए कितने दिन करेगा, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस में बी इज इक्वल, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है ए बी की 4। अब हमारे पास क्या है, ए बी कितना 4 है, और बी सी कितनी है हमारे पास, बी सी कितनी है हमारे द्वारा 3 है। अब सी का क्या है, सी किसके साथ, इसके साथ है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2, तो बी प्लस में सी इज इक्वल 3,
इसमें दो घटा करें, बी की कितनी आएगी भाई, एक। और जब एक निकालें कितना होगा, ए प्लस में बी इज इक्वल फोर। और मेरे भाई जी, ए प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो चार में तय घटा देगा तीन। अब सिंपल अगर उन्हें पूछे ना भाई, एक ही पूछ रखी है, एक अकेले दिन में ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क, तो 48 या डेली फिलो जीरा जीरो 48 अपॉन में तीन, भाई 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 दिनों में एक खत्म करेगा इस काम ने। अब बी की पूछ लें तो 48 अपॉन में एक, 48 दिनों में के बी खत्म करेगा इस काम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कति क्वेश्चन में आता है भाई, ठीक है भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्लियर बात, ये पेपरों में आता ही आता है भाई। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, अब लेफ्ट हैंड किसके भाई, बिफोर के, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, जो लास्ट में कराए हैं। देखो भाई, ए लेफ्ट द वर्क, द ए स्टार्ट द वर्क, एक ए ए ने काम चालू करा, उसके बाद लेफ्ट द वर्किंग फोर डे, मतलब एक ने एक काम चालू कर दे साथ, 4 दिनों में भाई ए ने काम छोड़ दिया, ये ने काम छोड़ दिया ए ने। उसके बाद क्या है, बी फिनिश द रिमाइनिंग वर्क इन द नेक्स्ट 16 दिन, तो बी क्या है, इस जो ए ने काम छोड़ दिया था उसके बाद कितने दिन, नेक्स्ट कितने दिन हो भाई, नेक्स्ट 16 डे, मतलब क्या हमारे पास 16 दिनों में, क्या हमारे पास नेक्स्ट 16 दिनों में काम क्या करता है भाई, वो खत्म करता है, कितने दिन भाई, नेक्स्ट, बी फिनिश द रिमाइनिंग वर्क इन नेक्स्ट 16, मतलब 16 दिन। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डे, यदि अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, यानी ए याद आ जाए भाई, ए 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, और एंड बी वुड हैव फिनिश द रिमाइनिंग वर्क इन द नेक्स्ट 12 डे, और बी क्या है, चेंज होगी कंडीशन भाई, अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है और बचा हुआ काम भी 12 दिनों में कर रहा है, तो सिचुएशन क्या होगी, तो इस कंडीशन में तो ए और बी अलोन इस काम को कितने दिन खत्म करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया भाई। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ए के कितने दिन बढ़ गए, 2 दिन बढ़ गए, बी के कितने बढ़े हुए घटे भाई, बी के घट गए हमारे द्वारा भाई 4 दिन, ठीक है। अब ये उठा लो भाई, हमने ये क्या उठा लेंगे कि भाई ए गुणा में 2 इज इक्वल बी गुणा में 4, अब ए इसके पूर्ण में आ जाएगी, ए अपोन में बी 4, और ये इसके पूर्ण में आ जाएगा 2 2 1 कम 2 2 2 4, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आई है 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है भाई 1। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है टोटल वर्डन कैसे निकालना है, टोटल वर्डन कैसे निकालोगे, जो स्टार्टिंग का है, यानी ए क्या है 4 दिनाम कर रहा है, ये कितने दिनाम कर रहा है, ये कितने दिनों में, ए क्या है 4 दिनों कर रहा है, ये कितना 16 दिनों कर रहा है। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ए की कितनी आ रही है भाई 2 दिन आ रही है, बी की कितनी आ रही है भाई 1 दिन आ रही है, 4 2 8 प्लस में 16, तो कितनी टोटल वर्डन हो गया हमारे पास भाई 24 हो गया टोटल वर्डन। अब हमने ए की याद करनी है, ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क 24 अपॉन में 2, बी अलोन कंप्लीट दिस वर्क 24 अपॉन में 1, यू 12 दिनों में करेगा मेरे भाई, और यू कितने दिन है 24 दिनों में करेगा मेरे भाई। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया इस सवाल में, जल्दी बताओ। देखो भाई क्या है हमारे पास, टाइम एंड वर्क का बिफोर और लेफ्ट समाप्त होता है, इसके बाद क्या है इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट में क्या होगा, पहले पहले में क्या कराऊंगा मैं हेल्प, उसके बाद सेकेंड में क्या होगा अल्टरनेटिंग वर्क, अल्टरनेटिंग वर्क, उसके बाद कौन सा टाइप आओगे हमारे पास, इफिशियंसी के टाइप आओगे, इफिशियंसी के टाइप आओगे, उसके बाद कौन सा टाइप आओगे भाई हमारे पास, मैन मैन वूमैन, उसके बाद कौन सा टाइप आओगे हमारे पास, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयड, ठीक है भाई। अब हमारे पास खत्म कौन सा हुआ है, हमारे पास बिफोर एंड लेफ्ट एंड सिंपल टाइम एंड वर्क, क्या हो भाई सिंपल टाइम एंड वर्क, बिफोर एंड लेफ्ट खत्म हुआ, उसके बाद क्या है हेल्पिंग अल्टरनेटिंग इफिशियंसी मैन एंड वुमैन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क में पीएचडी करा दूंगा आपकी, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा कहीं से भी, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हर एक बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, मतलब जो भी तैयारी कर रहा है ना, जो 9वीं में 10वीं में 11वीं 12वीं सीजीएल की तैयारी कर रहा है, किसी भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है, या कोई भी मतलब मैथ में जिसमें किसी भी चीज में टाइम एंड वर्क आता होगा, एक से लेकर जेड लग, मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा मैं भाई, और किसी प्रॉब्लम नहीं आओगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और वो इससे देखने से पहले पिछली वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो
तो जय हिंद।